के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। दौसा में बीजेपी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे गौमांस खाकर संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आते हैं, हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल भरे लहजे में पूछा कि कोई हिंदू आतंकी कह देगा हम चुप बैठेंगे, कोई हिंदू को हिंसक कर देगा हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राम मंदिर का विरोध करेगा हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राष्ट्रपति के रंग पर उपवास उड़ाएगा हम चुप बैठे रहेंगे, जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। कोई हिंदू को आतंकी कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कोई हिंदू को हिंसक कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राम मंदिर का विरोध कर देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, और कोई महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के रंग पर उपवास चुराएगा और हम चुप बैठे रहेंगे, तो मित्रों ऐसे काफी। राहुल गांधी को लेकर के बड़ा निशाना साधा है, आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर भी आक्रामक अंदाज में। आज सीपी जोशी दिखाई दिए, बड़ा बयान सीपी जोशी की तरफ से दिया गया है। दौसा से जो खबर सामने आई, आपको बता दें कि कार्य समिति की यहां पर बैठक हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जिला कार्य समिति की बैठक के बाद ये वीडियो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला सीपी जोशी ने बोला। सीपी जोशी ने कहा कि इनको सत्ता की कुर्सी से प्यार है, देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द कांग्रेस की देन है। हिंदू को आतंकी कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कोई हिंदू को हिंसक कह देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कोई राम मंदिर का विरोध कर देगा और हम चुप बैठे रहेंगे, और कोई महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के रंग पर उपवास चुराएगा और हम चुप बैठे रहेंगे, तो मित्रों ऐसे काफिर इस प्रकार के अपने सपनों में कामयाब होते रहेंगे। जो गोवांस गाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। उधर टोंक में जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि इनको सत्ता की कुर्सी से प्यार है, देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द कांग्रेस की देन है। लेकिन मुझे लगता है विकृत सोच है, इस देश को बांटने का 1947 में ही इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का भारतीय के कितने और उसके बाद भी आप लोग देखेंगे ये विरोधी ताकतों के साथ उनके संबंध इससे स्पष्ट होता है कि उनको वहां भारती से प्यार नहीं है, इनको सत्ता की कुर्सी से प्यार है। इसलिए देश की जनता ने इनको नकार दिया है, जो वो देश के देशों में उधर टोंक में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में शामिल हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली के मुद्दे पर फिर से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में बिजली देने वाला प्रदेश बनाने की बात कही है। राजेंद्र राठौड़ और कन्हैयालाल चौधरी ने प्रदेश के बजट की सराहना करते हुए राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट बताया। जैन नसिया में हुई जिला कार्य समिति की बैठक में उपचुनाव सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सभी नेताओं ने आगामी चुनाव को चुनौती बताते हुए जीत का संकल्प भी लिया है। किस बात से कांग्रेस वोट क्या दिया आपने साथ साथ कर? लेकिन हमें इस चीजों को अपनी बातों को पूरी ताकत के साथ आपके पास इतना काम है, आपके नेताओं ने आपके नेतृत्व ने इतना काम किया है कि आप सीना चौड़ा करके सर उठाकर मजबूती के साथ काम कर सकते हो, और कांग्रेस ने इतने बात किए हैं कि वो जनता के सामने हाथ से हाथ मिलाकर बात नहीं कर सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता। प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारी में मिशन मोड पर तैयारी शुरू कर दी है, और आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दौसा पहुंचे। इस दौरान सोमनाथ सर्किल के पास गायत्री पैलेस मैरिज गार्डन में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया।
इसमें सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन किया। सीपी जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का भरोसा दिलाया, साथ ही कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय में जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता मन बना चुकी है और दौसा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। इस बैठक में उपचुनाव के प्रभारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ ही डॉक्टर किरोड़लाल मीना, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, राजेंद्र राठौड़, देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मंजूर हुआ या नहीं ये वो लोग जाने, बिना मंत्री पद के भी मैं काम करता आया हूं। पहले करीब 3.5 साल मंत्री रहा, उसके बाद अभी करीब 5-6 महीने मंत्री रहा, उसके अलावा तो मैं बिना मंत्री के ही काम करता और करवाता आया हूं। दे दिया मेरा इस्तीफा, मंजूर और नामंजूर की बात कह रहे हैं नड्डा जी की, तो वो जाने, मैंने तो दे दिया। तो आरक्षण को मंत्री बिना मंत्री के रूप में काम करता आया हूँ मैं तो जीवन भर, तीन महीने तो मंत्री, तीन 3.5 साल तो पहले रहा और 6-5 महीने अब रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं काम करता आया हूँ, काम कराता हूँ। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सीकर के दौरे पर है, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने टुकड़ों में चुनाव करवाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 35 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बाद भी आधे से ज्यादा जगहों पर भी अपने जिला प्रमुख नहीं बना पाई कांग्रेस। उन्होंने टुकड़ों में चुनाव करवाए लेकिन फिर भी जनता ने नकारा। तीसरे बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद में पहली बार मुझे आज सीकर की इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं मीडिया के साथियों को, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्यों को 62 साल बाद में पहली बार लगातार तीसरी बार किसी एक पार्टी को, किसी एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान की जनता का, शेखावटी की जनता का, सभी का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उधर दौसा जिले के मंडावरी में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक लड़की को अगवा करके कार में ही उसके साथ गैंगरेप किया गया। दरअसल पूरा घटनाक्रम मंगलवार का बताया जा रहा है, जब एक लड़की भैंस चराने के लिए खेतों पर गई थी, इसी दौरान कार सवार होकर के 4 दरिंदे आए और लड़की को अगवा कर कार में पटक लिया और इसके बाद वहां से ले गए अपहरण करके। इसके बाद 4 घंटे तक इन हैवानों ने लड़की को कार में इधर उधर घुमाया और उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। शाम को जब पीड़िता आरोपियों के द्वारा पटक दी गई और इसके बाद पीड़िता को बदहवास हालत में छोड़ दिया गया, तो उसने अपने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद लड़की के पिता मंडावरी थाने पहुंचे और 3 नामजद समेत कुल 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज करवाया है। शाम को मंडावरी थाने पे रिपोर्ट दर्ज हुई थी, मंडावरी थाने जाके की जहाँ की लड़की ने अपने पिता के साथ थाने पर उपस्थित होकर बताया कि जब वो दिन में भैंस चराने गई थी तो 4 लड़के आए थे कोई 4-व्हीलर लेके, तथा उसी दौरान उसको 4-व्हीलर गाड़ी में पटक के वहाँ से ले गए, फिर उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें गैंगरेप कर। दौसा में एक लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। हैवानों ने लड़की को पहले अगवा किया और 4 घंटे तक इधर उधर घुमाते रहे और उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते रहे। पीड़िता 4 घंटे तक इन हैवानों के चंगुल में रही, इस दौरान हैवान उसे नौसते रहे। जब पीड़िता को बदहवास हालत में छोड़ा गया तो पीड़िता अपने परिजनों के पास पहुंची और पूरी आपबीती सुनाई। अब इस मामले में मंडावरी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और लालचोट के DSP पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन एक और, जहां विधानसभा में कानून व्यवस्था पर राजस्थान की सरकार को विपक्ष द्वारा घेरा जा रहा है और दूसरी ओर मंडावरी में इस तरह की घटना से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बेखौफ कैसे हो गए कि वे इतने बड़े समाज और पुलिस के बीच 4 घंटे तक पीड़िता को कार में लेकर घुमाते रहे और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते रहे। आशीष शर्मा, News 18 दौसा। वहीं कोटा में 10 साल पहले बहुचर्चित रुद्राक्ष हांडा हत्याकांड के मास्टरमाइंड अंकुर पहाड़िया की जयपुर की खुली जेल में कनपटी में गोली लगने से मौत हुई। प्राथमिक तौर पर अंकुर की मौत सुसाइड मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए।
कोटा के रुद्राक्ष हत्याकांड के मास्टरमाइंड ने किया सुसाइड। अंकुर ने सांगानेर के खुली जेल में गणपति पर मारी गोली। कोटा में 2014 में हुए रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी अंकुर पांड्या ने जयपुर की सांगानेर स्थित खुली जेल में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जेल प्रशासन के मुताबिक मंगलवार शाम को अंकुर खुली जेल में अपने कोठरी में मौजूद था। शाम 6 बजे उसका साथी मजदूरी कर जेल में लौटा। जब कमरे में जाकर देखा तो अंकुर लहूलुहान पड़ा था। अंकुर के हाथ के पास एक देसी पिस्टल पड़ी थी। साथी की सूचना पर जेल कर्मी बैरक में गए। इसके बाद अंकुर को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महीने भर पहले बीकानेर से जयपुर शिफ्ट किया गया था अंकुर। 5 साल के रुद्राक्ष हत्याकांड में अंकुर को सुनाया गया था मृत्युदंड। अच्छे आचरण को देखते हुए खुली जेल में किया गया था शिफ्ट। अंकुर पांड्या को करीब 1 महीने पहले यहां पर शिफ्ट किया गया था। उससे पहले वो बीकानेर की खुली जेल में था। अच्छे आचरण की वजह से अंकुर पांड्या को सांगानेर की खुली जेल में लाया गया और यहीं पर बताया जा रहा है कल शाम को अंकुर पांड्या ने कनपट्टी पर गोली मार ली। आपको बताते चले, 9 अक्टूबर 2014 को अंकुर और उसके साथियों ने 5 साल के रुद्राक्ष को अगवा कर रुद्राक्ष के परिजनों से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर रुद्राक्ष की हत्या कर दी गई थी। वहीं 10 अक्टूबर 2014 को तालेड़ा के जाखमुंड स्थित दाई मुख्य नहर में मिला रुद्राक्ष का शव। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अंकुर और उसके साथी दिल्ली निवासी करणजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। आज उसका शव महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। बहरहाल मजिस्ट्रेट की जांच यहां पर की जा रही है और पूरे मामले को देखा जा रहा है कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी और ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जेजेएम के महाघोटालेबाजों को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों ठेकेदारों को समन भेजकर दिल्ली तलब किया है। रिपोर्ट देखिए। जेजेएम घोटाले में सीबीआई की एंट्री, आरोपियों को समन भेज दिल्ली बुलाया, जेल में बंद लोगों से भी होगी पूछताछ। ₹900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी, ईडी और सीबीआई तीनों जांच एजेंसियां जांच में लगी हैं। अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। इस घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी, फिर चाहे वो जेल में बंद ही क्यों ना हो। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों, ठेकेदारों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को भी समन भेजा है। समन भेजकर सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही जलदाय विभाग से भी घोटाले से जुड़ी अहम फाइलों को तलब किया गया है। सीबीआई अब इस मामले की तेजी से जांच कर रही है। दरअसल जयपुर एसीबी ने जेजेएम से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों, ठेकेदारों के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को एक एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर एसीबी के सीआई राजेश राव की ओर से दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि 6 अगस्त को उनके पास सूचना आई थी कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में टेंडर हासिल करने, बिलों के भुगतान और काम में अनियमितताओं के लिए अवैध संरक्षण हासिल करने के लिए ठेकेदार पद्म जैन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए होटल में बुलाया था। 7 अगस्त को एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए 2,20,000 रुपए की राशि लेते हुए अधिकारियों को ट्रैप किया था। जांच में एसीबी ने 10 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था।
इससे पहले मंगलवार को जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर से संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया था, जिस पर जेजेएम घोटाले में बिचौलिए की भूमिका के आरोप हैं। गौरतलब है कि जेजेएम घोटाले में अब तक ईडी 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद झुंझुनू के 2 जवानों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू के 2 वीर सपूतों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जवानों का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ और सभी की आंखें नम रही। ये गोली जो चली थी ये अजय और विजेंद्र पे नहीं, ये भारत के ऊपर चली थी और इन 2 योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करी, उस गोली को, उस हमले को रोका। ऐसे ही न जाने कितने फौजी अपने छाती को आगे करके भारत पे जो होते हुए हमले को रोकते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने भी नौजवान हैं वो भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लें, मन में संकल्प लें, एकजुट रहें, मजबूत रहें, अपने शरीर को, मस्तिष्क को हर तरह से मजबूत करें। भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि पाकिस्तान या जो भी आतंक को फैलाना चाहता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। शहीदों के सम्मान में स्थानीय लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। शहीद बिजेंद्र सिंह दौराता झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के खूबा की ढाणी डुमोली कला के रहने वाले थे और अजय सिंह भी इसी इलाके में भैसावता कला के रहने वाले थे। बिजेंद्र सिंह की पार्थिव देह जब उनके घर पहुंची तो उन्हें देखकर मां बिलख पड़ी। वहीं बिजेंद्र सिंह के बेटे ने अपने दादा की गोद में बैठकर पिता के अंतिम दर्शन किए। पंद्रह जुलाई को आतंकी हमले में दोनों जाबाज शहीद हुए थे। जम्मू के डोडा जिले में डेसा जंगल के धारी गोटे उरार बागी में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की सर्च ऑपरेशन जारी थी। इसी दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हुए भागे। भारतीय सेना के जवानों ने उनका पीछा किया। घना जंगल होने की वजह से आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार रात करीब 9 बजे फिर गोलाबारी हुई। इसमें बिजेंद्र सिंह और अजय सिंह समेत 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। विजेंद्र और अजय सेना में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। आज उनके शहीद होने पर भले ही सभी की आंखें नम हो, लेकिन सभी फक्र के साथ उन्हें सलाम कर रहे हैं। तो वहीं करौली के वजीरपुर गेट के पास राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में एक हॉल की छत की पट्टियां टूट गईं और गनीमत यह रही कि उस वक्त ये हादसा रात को हुआ था, उस वक्त स्कूल में कोई नहीं था। घटना की जानकारी आसपास रहने वाले लोगों ने स्कूल के स्टाफ को दी है। ये तस्वीर है करौली जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहां रात के वक्त स्कूल की छत की पट्टियां टूट गई। गनीमत ये रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने विद्यालय स्टाफ को दी। सूचना पर विद्यालय की प्रधानाचार्य समेत दूसरे शिक्षक स्कूल पहुँचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। ये हादसा रात को 10 बजे से लेके और 12 बजे तक का है।
पड़ोसियों ने, आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात को 10 बजे एक बार बहुत तेज आवाज आई, इसके बाद 12 बजे धड़ाधड़ से ही गिर गई बिल्डिंग। हादसे की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई। छत की पट्टियां टूटने से वहां रखा फर्नीचर और अलमारी पूरी तरीके से टूट गया। बताया ये जा रहा है कि विद्यालय की बिल्डिंग रियासत कालीन है और लंबे वक्त से हादसे वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। कोई जनानी नहीं हुई है। रात्रि 16 तारीख के 11:30 बजे का हादसा है। इसमें क्लासें नहीं बैठती थी, इसलिए कोई जनानी की संभावना है। पहले भी इस बिल्डिंग में ऐसे कोई हादसे हुए? आज तक नहीं हुआ। स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है। 12वीं कक्षा तक के स्कूल में करीब 600 से ज्यादा छात्राएं पढ़ाई करती हैं। हालांकि जो हिस्सा हादसे का शिकार हुआ वो इस्तेमाल में नहीं था, फिर भी अगर हादसा दिन में होता तो बड़ा हो सकता था। करौली के बाद अलवर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से भी जर्जर भवन की तस्वीरें सामने आई है। यह स्कूल के कमरों की छत का प्लास्टर टूट करके गिर रहा है। कमरों में लगातार सीलन आ रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वे भय के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल छत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। विद्यालय के चारों ओर पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर के स्थानीय स्कूल प्रशासन द्वारा नगर निगम सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस भवन की किसी ने सुध तक नहीं ली है। हाँ, हमने एक हफ्ते से हम बात कर रहे हैं पार्षद को, हमने दो तीन बार फोन कर दिया। दो पार्षदों को इस एरिया में, दो पार्षद लगते हैं, तो हमने दोनों को फोन किया है, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षा के मंदिर का ऐसा हाल हैरान करने वाला है। एक तरफ रात के वक्त करौली में स्कूल में हादसा, तो दूसरी तरफ अलवर में डर के साए में बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।